ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के प्लांट में आग लग गई। ये आग आज सुबह करीब 7 बजे लगी। ये आग इतनी भयानक थी, इसमें अब तक 5 लोगों की झुलस कर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस आग से आसमान में काले धुएं के गुम्बार नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी इस प्लांट के आसपास के इलाकों को खाली करा दिया है। बताया जा रहा है कि आग कोल्ड स्टोर में लगी और देखते ही देखते आग ऊंची-ऊंची लपटें फैलने लगी। इस प्लांट की आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस प्लांट में आग लगी है वो महाराष्ट्र के घर घर में LPG गैस मुहैया कराती है और LPG गैस की वजह से आग और भी बढ़ते ही जा रही है। फिलहाल प्लांट से गैस की सप्लाई रोक दी गई है। ये भी माना जा रहा है कि अगर आग बुझ गई और गैस लीक हो गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए गैस को गुजरात के हाजिरा प्लांट डाइवर्ट कर दिया गया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।